गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ चैप्टर चल रहा है अपना, सेकंड एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट सम है, लेट ये क्या कह रहा है कि ए नंबर है, उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें और जो रिजल्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट मिलता है 1/8। तो नंबर मान लिया एक्स, तो उस x में से 1/2 माइनस कर दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ, x माइनस 1/2। उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, 1/8। तो 1/2 और 2 यहाँ डिवाइड है, तो इस साइड आके 1/8 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1/2 इजिकल टू 1/8 इन 2 में 2, तो 1/4। अब x के साथ माइनस 1/2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 सोल्व आउट करके क्या आएगा, 3/4। तो नंबर क्या आएगा, 3/4। सेकेंड सम है कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर एंड लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी लेंथ है 2 मोर, दो ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगने से। तो ब्रेड्थ हमने मान ली x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, दुगने से 2x हो गया, और दो ज़्यादा तो प्लस का 2। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ का 2x प्लस में 2 प्लस में ब्रेड्थ x बराबर किसके आ गया, 154 के। तो इसको 2 मल्टीप्लाई यही साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचा, 2x प्लस में x, 3x प्लस 2, तो डिवाइड होगा तो 77। तो यहाँ 2 प्लस का है इस साइड आके माइनस, तो 3x बराबर 77 माइनस 2 75, और x के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड, तो 25। x हमने क्या मान रखा है, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी होगी, 25 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार उसमें वैल्यू पुट करने पे 52 मीटर। अब है हमारे पास थर्ड सम कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया था 4/3 एंड पैरामीटर दे दिया 4 × 2/15 यानी 62/15। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये बताना जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो x मान ली हमने, ये इक्वल साइड क्या हुई, x, ये भी x, ये भी x, और बेस 4/3। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, x प्लस 4/3 इजिकल टू 62/15। एक्स और एक्स, 2x, यहाँ प्लस है उस साइड जाके माइनस, 62/15 माइनस 4/3, सोलव आउट करके एलसीएम लेके ये आ गया हमारे पास 42/15। तो x क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाके डिवाइड, 42/15 इंटू में 1/2, 2 से 21 पे कट गया, 21/15, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 3 7 जा और 3 5 जा, तो 7/5 ईच इक्वल साइड गया भी 7/15। नेक्स्ट फिफ्थ सम है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:3 एंड दे आर डिफर बाई 18, डिफर का मतलब डिफरेंस, 18 दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर मान लिया हमने 5x, सेकंड क्या हो जाएगा, 3x, तो दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर, 5x माइनस 3x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, x बराबर कितना आ गया, 18/2, 9। तो फर्स्ट नंबर क्या गया, 5x मान रखा, x की वैल्यू 9 है, तो 5 9 = 45, सेकंड नंबर क्या गया, 3 9 = 27। थैंक यू।